राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल में आज स्वच्छता अवार्ड दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एमएस डीके शर्मा के अलावा एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर भी मौजूद रहे। बता दें कि इस कार्यक्रम के आयोजन का मकसद एम्स में स्वच्छता दिवस अवार्ड के रूप में मनाया गया, जहाँ पर हर कैटेगरी, हर वर्ग, हर क्षेत्र से स्वच्छता को लेकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल टेक्नीशियन सहित एम्स के अलग अलग विभागों की टीम को यह अवार्ड दिया गया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में यह कार्यक्रम चला, जिसमें एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और एमएस डीके शर्मा ने अपने हाथों से स्वच्छता को लेकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले टीमों को ट्रॉफी भेंट। बता दें कि इस कार्यक्रम का मकसद स्वच्छता को लेकर जागरूक करना था। एम्स के अलग अलग विभाग की टीमों को स्वच्छता को लेकर सर्टिफिकेट दिए गए और आगे भी उन्हें इसी प्रकार के काम में रहने की बात कही गई। देखिए, एक बहुत अच्छा दिन है कि आज हम अपना स्वच्छता अवार्ड दिवस मना रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के ऊपर पहली बार जोर दिया था और 2 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने का जो है एक संकल्प दिया था। उसके बाद मई 2015 ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कायाकल्प अवार्ड स्कीम शुरू की, जिसमें के देश के डिफरेंट हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स, सभी को जो है ज़्यादा सफाई और जो अच्छी सफाई रखेगा उसको कायाकल्प अवार्ड के लिए प्रेरित किया गया था। और तभी से उस बात को एक अपना मोटो बनाकर एम्स भी ये स्वच्छता के ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। हम लोग पहले भी बहुत स्वच्छ थे, लेकिन इसके बाद से हमने और ज़्यादा ध्यान दिया है। और आज का जो अवार्ड है, हमने एक इंटरनल कंपटीशन किया। इस इंटरनल कंपटीशन के अंदर हमने डिफरेंट वार्ड्स, डिफरेंट आईसीयूज, डिफरेंट ऑफिसेज, डिफरेंट टॉयलेट्स, सबको कंपेयर किया। और कंपेयर करने के बाद आज जो है हमने जो बेस्ट वार्ड थे, बेस्ट सेंटर्स थे, बेस्ट टॉयलेट थे, उनको अवार्ड दिया। तो जिससे कि बाकी सबको प्रेरणा मिल सके कि और अच्छा काम करें और सफाई को और अच्छा मेंटेन करें। हम लोग सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहेंगे जिन लोगों ने हमारे को देखा, रिकग्नाइज किया और उन लोग को लगा कि हमारा है, उनके लिए सबसे पहले हम थैंक्स करना चाहेंगे। और दूसरी बात, हम कि हमें अवार्ड मिला उसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हम उनके थैंक्सफुल भी हैं और हम लोग खुश भी बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखते हैं कि हमारे पेश, ये तो हमारा है कि हम ये चाहते हैं कि हम अपनी केयर दें, पर हम पेशेंट को जितनी अच्छी, जितनी साफ़ सफाई से और उनके अच्छे एटमॉस्फेयर में केयर देंगे, उतनी जल्दी पेशेंट जल्दी रिकवर होता है। क्योंकि ट्रॉमा सेंटर इस टाइम सबसे ज़्यादा एक ऐसा आईसीयू है जहाँ पे मेरे ख्याल से सबसे सिक पेशेंट, सबसे ऐसे पेशेंट होते हैं जो सडनली किसी भी चीज़ में, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर जो केसेज आते हैं वो आते हैं एक्सीडेंट केसेज ऐसे, जो कि सडनली अभी तक वो पर्सन जो था वो ठीक था और सडनली उसका एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़े ट्रॉमा में, तो वो अपने मेंटली फिजिकली किसी भी तरह से तैयार नहीं होता कि मैं सीखूंगा और अचानक से हो जाता और बहुत बुरे बुरे मतलब हालत में होता है। तो उसमें हमारे को जब तक हम उनको साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली हर तरह से हम उनको अच्छी तरह से केयर नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो पेशेंट इतनी जल्दी रिकवर नहीं होता। और जब कोई पेशेंट हमारी अच्छी केयर, पहली बात तो वो हमारी तारीफ़ करके जाता है कि आपका ट्रॉमा सेंटर बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ है, बहुत बहुत अच्छी जगहों से, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छा है, तो हमें बहुत खुशी होती है। और हमारे जब पेशेंट यहाँ से ठीक होकर जाते हैं तो हमें और भी ज़्यादा खुशी, और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारे पेशेंट हमारी केयर की वजह से, हमारे और हमारे साफ सफाई की वजह से, ये कि हर चीज़ में हमारा ट्रॉमा सेंटर अच्छा है, इसलिए हमें बहुत खुशी भी होती है और हमारे पेशेंट ठीक होकर जाते हैं तो उन वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है।